हेलो एवरीवन, बिग बॉस के वीकेंड का वार में आज का अफसाना पूरा एपिसोड खींच गया, जहां सलमान खान ने बड़े प्यार से अफसाना की सभी गलतियां बताई। कहा कि तुम खुद ही तुम्हारी इमेज को खराब करने पर तुली हो, तुमको भगवान ने बहुत ही सुंदर आवाज से नवाजा है, तो उसका यूज तुम गाने में करो, मीठी बातें करने में करो, ना कि गुस्सा करके अपनी आवाज को खराब करने में करो। तो समझ गई है अफसाना, अब देखना ये होगा कि वो इस बात को कितने दिनों तक याद रखती है। तो पूरा अफसाना, पूरा वीकेंड का वार अफसाना के अफसानों में ही चला गया, और जो कल दिखाया जाएगा उसमें वो दिखाया जाएगा कि हर एक कंटेस्टेंट से पूछा जाएगा कि कौन सा कंटेस्टेंट किसके लिए कैसा है। आप सभी जानते हैं कि विशाल और करण की दोस्ती पहले 2 हफ्ते बहुत ही रही, लेकिन जब वो घर में चला गया उसके बाद इस बात को लेकर करण को कहीं ना कहीं बहुत खराब लगा, और वही बात आज सलमान खान कल के वीकेंड का वार में निकालने वाले हैं। तो करण से पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसमें मेरा लॉस नहीं है, वो उसका लॉस है कि वो मेरी दोस्ती छोड़ के चला गया। और जब शमिता से पूछा गया क्या जय विश्वास के लायक है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस बात पर सलमान खान ने बोला, नहीं, हमें जवाब मिल गया कि तुम कितना विश्वास करती हो। दूसरा कल जो देखने में बहुत मजा आने वाला है वो है फराह खान। जी हाँ, फराह खान जितनी बड़बोली है, जितना मुंह पर बोल देती हैं, सब उनको वो कड़वी बातें सभी कंटेस्टेंट को बताने वाली हैं। आते साथ ही वो कहती है कि अपनी अपनी पोजिशन ले लो, तो मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट स्टैंड ऑन नंबर वन। फिर एक एक करके वो बोलती है कि कौन मेरे लिए कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहले उन्होंने शमिता पे वार किया कि शमिता तुम्हें कब से जरूरत पड़ गई किसी के साथ की, तुम्हें क्यों ईशान की, विशाल की जरूरत है एक्चुअली इस बिग बॉस 15 में रहने के लिए, और विशाल बिग बॉस में क्यों है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। करण कुंद्रा को कहती है कि तुम शो से भटक रहे हो, तुम मतलब जो खेल खेलने आए हो वो खेल नहीं खेल रहे हो। और वही जय भानुशाली को वो कहती है कि तुम बुझ गए हो, जागो, और मैं तुम्हें नंबर वन पर देखना चाहती हूँ। जी हाँ, फराह खान बातों बातों में ये बोल जाती है कि करण कुंद्रा नहीं, जय भानुशाली नंबर वन पर होगा और मैं उसे देखना चाहती हूँ। वहीं प्रतीक को सीधा सीधा उन्होंने मुंह पे बोल दिया कि तुम बिग बॉस OTT से कॉपी पेस्ट जैसे आए हो, वैसे ही लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रतीक को हमने बिग बॉस OTT में देखा था वही बिग बॉस 15 में सेम टू सेम नजर आ रहा है। तो हर एक कंटेस्टेंट को वो कल आईना दिखाने वाली है और हर कंटेस्टेंट को जगाएंगी कि तुम इस कछुए के कवच से बाहर निकलो, डर के मत अंदर झुको, बाहर आओ और अपना गेम खेलो, तुम एक गेम शो में हो, कनेक्शन बनाने यहाँ नहीं आए हो। तो ये बात वाकई में फराह खान की हमें अच्छी लगती है कि वो जब भी आती है तब कंटेस्टेंट्स को उनका आईना जरूर दिखाती है कि तुम इस शो में क्या कर रहे हो और तुम्हें आगे क्या करना है। कल का वीकेंड का वार तो वाकई में देखते बनेगा, हम तो बड़े एक्साइटेड है कल के वीकेंड का वार को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।